नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरपाल यूपीपी मोटिवेशन में। अब देखो, रीजनिंग का मैंने क्या था कल रीजनिंग के बारे में मैंने ब्लड रिलेशन से संबंधित मैंने क्या थे दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे, एक पजल फॉर्म से संबंधित और उसके बाद में कोडेड रिलेशनशिप वाला। तो एक बचा था हमारा क्या था, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म बताया था। ब्लड रिलेशन किसी न किसी हर एक एग्जाम में क्या है, एक से दो क्वेश्चन तो हर किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है ये बैंकिंग के एग्जाम में क्या है, चार या पाँच क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म का हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है। अब देखो, ये पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना, इनको क्या है ना, खुद से जोड़ के देखो। ठीक है, बिना फैमिली ट्री बनाए भी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, बिना फैमिली ट्री बनाए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन खुद से जोड़कर। अब देखो कैसे कर रहे हैं, अगर आपने खुद से बिना फैमिली ट्री बनाए ये कर लिया तो ये समझो कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जिनका आईक्यू मतलब जो नहीं कर सकते आईक्यू लेवल, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद में ये क्वेश्चंस फिर क्या है जल्दी से अपने आप में होने लगेंगे बिना फैमिली ट्री बनाए। अब देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। इसका मतलब उस आदमी, अपने से जोड़ के देखो कि उसके पुत्र के दादा, इसका मतलब उसका कोई क्या हो गया, पिता हो गया। मतलब मेरे पुत्र के दादा तो मेरे क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक है, और उनकी इकलौती पुत्रवधू है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू कौन होगी भाई, उसकी पत्नी हो गई खुद की। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, इसका मतलब कोई उसके दादा होंगे, उस दादा का अकेला क्या होगा, पुत्र होगा, और उस पुत्र की जो होगी पत्नी होगी वो क्या होगी, पुत्रवधू, और वो क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्रवधू। इसका मतलब क्या है, उसके पुत्र के दादा, मतलब दादा की इकलौती पुत्रवधू क्या हो जाएगी, मतलब मेरे पुत्र के दादा, इसका मतलब मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू क्या हो जाएगी, उस खुद आदमी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो महिला पुरुष क्या है, उसे महिला की ओर इशारा करके कह रहा है जो उसकी पत्नी है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर हम क्या लगा देंगे, पत्नी लगा देंगे। ठीक है, एक कोई ऐसे हो सकता है, और दूसरा हम फैमिली ट्री बना के भी कर सकते हैं, वो देखो कैसे। सबसे पहले देखो, यहाँ से देखो, मेरे पुत्र के दादा, यहाँ से इसे एक बना लो। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा कौन हो गए, मेरे भी पिता हो गए और पुत्र के दादा हो गए। इसका मतलब क्या है, मेरे यहाँ पे जो मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट नंबर, पुत्र को सेकंड नंबर, दादा को थर्ड नंबर, अब पुत्र वधु को फोर्थ नंबर दिया। ठीक है, पुत्र वधु का क्या दिया मैंने, फोर्थ नंबर दिया। अब देखो, मेरे पुत्र के, इसका यहाँ पे क्या है, कोई आदमी है खुद, यहाँ पे क्या है, कोई खुद आदमी है, और आदमी है खुद ही, मैन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मैन। ठीक है, और मैन के पुत्र, मेरे पुत्र, इसका कोई पुत्र हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, कोई सन हो गया। यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया, यहाँ पे मैंने दो नंबर दिया, और इनके जो दादा हो गए, इसके पिता हो गए, तो यहाँ पे दादा कौन से आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए। ठीक है, और दादा की इकलौती पुत्रवधू, तो दादा के पुत्र की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, पुत्रवधू होगी। यहाँ पे क्या है, हम चौथा नंबर दे देंगे, फोर्थ नंबर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कोई आदमी है, ये आदमी है जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आदमी है और ये वो महिला है, तो महिला पुरुष से क्या संबंधित है, तो महिला पुरुष की क्या है, पत्नी है। तो इस प्रकार हम फैमिली ट्री बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, उसकी माँ मेरे पुत्र की पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, बिना फैमिली ट्री बनाए पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उस महिला की जो माँ है मेरे पुत्र के दादा, यहाँ पे क्या है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अब देखो कैसे कर रहे हैं, मेरे पुत्र के, सोच के देखो, पुत्र के दादा, इसका मतलब खुद का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और खुद के पिता की क्या है, इकलौती पुत्रवधू है, तो इसका मतलब उस आदमी की पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, उस आदमी की पत्नी हो जाएगी। कौन, उसकी जो माँ है, उसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसकी माँ। ठीक है, उसके माँ क्या हो जाएगी, ये वाला जो पूछा गया है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, मतलब उस आदमी की जो पत्नी है वो उसकी माँ है। तो ये जाहिर सी बात है, उसकी माँ है
और उसकी पत्नी है, तो क्या हो गया, वो जो महिला है वो उस आदमी की क्या हो गई, बेटी हो गई। अब देखो हम फैमिली ट्री बना के कैसे करेंगे। नंबर दे दो, एक नंबर, दो, तीन, और यहाँ पे दो, चार। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा यहाँ पे क्या है, कोई आदमी है खुद ही जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे, ठीक है। और इसका जो कोई पुत्र है, और इसका पुत्र का कोई दादा है, दादा पे कौन सा नंबर है, तीन है। और इकलौती पुत्रवधु माने इनका इकलौता पुत्र है, और इनकी जो पत्नी होगी वो इकलौती पुत्रवधु हो जाएगी। अब ये क्या है, जो महिला है वो इसकी माँ है, सॉरी, जो महिला की, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस महिला की माँ है। तो यहाँ पे जो महिला हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, मतलब ये किसकी माँ हो जाएगी, या तो पुत्र की माँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पुत्र नहीं है, वहाँ पे क्या है, एक महिला दे रखा है महिला की ओर इशारा करते हुए। तो ये जो महिला है, इसकी जो माँ है वो इसका, इसकी क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पे जो महिला हो जाएगी इस आदमी की क्या हो जाएगी भाई, पुत्री हो जाएगी। मतलब एक नंबर वाला कौन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आदमी है, और आदमी की जो पुत्री हो जाएगी वो महिला हो जाएगी। यहाँ पे बस ये ऐड हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ये उसका आंसर जो हो जाएगा, बेटी या पुत्री। मतलब इस प्रकार क्या है, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।